न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज की SOG व कर्नलगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां ऑनलाइन ठगी करने वाले 6 लोग को गिरफ्तार किया है। ये लोग लोगों से ठगी करके खाते में पैसे मंगाते थे और जन सेवा केंद्र या अन्य माध्यम से पैसा विड्रॉ करके दूसरे खाते में डालते थे। खास तौर से ये जामतारा झारखंड के रहने वाले हैं। ऐसे में पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने फ्रॉड के पैसे व बैंक की किट, आधार, पैन, अन्य चीज भी बरामद करी है। पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। ऐसे में क्या कहना है SSP प्रयागराज का, ये सुनाते हैं। SP क्राइम के नेतृत्व में साइबर सेल और थाना कर्नलगंज की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो एक अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग चला रहे थे। और ये सारे जो 6 अभियुक्त हैं, जिनको यहाँ पे विकास दास लीड कर रहा था, ये सभी गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं और पिछले 2 महीने से यहाँ पे रह के इनके द्वारा साइबर फ्रॉड का काम किया जा रहा था। टीम ने इन 6 को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 30,000 से ज़्यादा नगद, कई मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, 30 से ज़्यादा ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, सिम कार्ड्स ये बरामद किए गए हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ये अपने गृह जनपद से जब यहाँ आए तो इनके द्वारा अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कराया जाता है। उस आधार के कार्ड के एड्रेस के बेसिस पे इनके द्वारा बैंक के खाते खुलवाए जाते हैं और लोगों को ठगी करके उन अकाउंट्स में पैसे मंगवा के उस पैसे को कैश विड्रॉ करके अपने ओरिजिनल खातों में, जो झारखंड में इनके ओरिजिनल खाते हैं, वहाँ पे ये उसमें कैश डिपॉजिट कर देते थे। यहाँ पे एक जनसेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति के साथ भी इन्होंने ठगी की। उनको बताया कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मुझे कैश विड्रॉ करके दे दीजिए। उनके अकाउंट में पैसे आए और उन्होंने विड्रॉ करके दिया। जो कमीशन जनसेवा केंद्र चलाते हैं वो लेते हैं, उन कमीशन के आधार पर उसको दे दिया। उसके बाद उनका खाता जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों की टीम, पुलिस टीम ने फ्रीज कराया। किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था उसके आलोक में, तो तब इन्होंने पुलिस से शिकायत की। उस शिकायत पे हमारी टीम ने कार्य किया, बड़ा ही सराहनीय कार्य करते हुए इन 6 को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इनके जो ओरिजिनल खाते हैं झारखंड के, उसमें भी 3,20,000 रुपया फ्रीज कराया गया है। बाकी जैसा मैंने बताया, इनसे कई बरामदगी हुई है, कई सारे अभी लिंकेजेस और मिले हैं जिस पे हम लोग अभी आगे काम करेंगे और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने जहां BJP सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है, तो सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में आप जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बढ़ती महंगाई को लेकर BJP पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। मेरा ये मानना है कि महंगाई, आज लोग महंगाई, बेरोजगारी से बुरी तरह से त्रस्त हैं और उसकी वजह सिर्फ एक है, सरकार की नीतियाँ। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि उनसे कहां पर गलती हो रही है कि लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लगातार लोगों के रोज़गार ख़त्म होते चले जा रहे हैं और ये बड़ा गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर हम दिल्ली को भी कंपेयर करें तो दिल्ली देश का ऐसा राज्य है जो हर साल प्रॉफिट का बजट दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश हर साल घाटे का बजट दे रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है, नियत में खोट है। और दिल्ली सरकार से, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को सीखना चाहिए, ये रास्ते सीखने चाहिए कि कैसे हमारे देश में ये महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म हो। संगम नगरी प्रयागराज जहां यातायात माह चल रहा है, तो ऐसे में सड़क पर नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी, ये नज़ारा है चौक के
पुलिस बूथ के पास का, जहां आप देख सकते हैं नो पार्किंग जोन में कैसे सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं और पुलिस बूथ के बगल में ही आसपास सड़कों पर गाड़ियां खड़ी, ना ही इनको कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। यातायात माह में खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं जहां लोग, तो ऐसे में पुलिस रोकने में नाकाम है। ये नज़ारा है जॉनसनगंज चौराहे का, जहाँ यहाँ पर होटल भी है और पार्किंग ना होने के कारण सड़क पर ही इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और अक्सर जाम भी लगता है। और यहाँ पर बैंक और डाकखाना भी पहले रह चुका है, ऐसे में यहाँ पर जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर बिना पार्किंग के होटल कैसे बना और सड़क पर कैसे गाड़ियाँ खड़ी होती, इन पर क्यों रोक टोक नहीं लगती, ऐसे में बड़ा सवाल है। मगर यातायात माह पे खुलेआम नो पार्किंग जोन में सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं चौक क्षेत्र में, जिससे जाम लगता है, लोग होते परेशान। नगरी प्रयागराज, जहां नियम कानून को ताक पर रखकर सड़क किनारे पशुपालन हो रहा है, जहां नगर निगम ने सख्त हिदायत दी थी और योगी सरकार ने भी इसके लिए आदेश पारित किया था कि सड़कों पर पशुपालन नहीं होगा, उसके बावजूद ये नज़ारा है अतरसुइया थाने के सामने का, जहां पर खुलेआम सड़क पर पशुपालन हो रहा है और नियम कानून को ताक पर रख कर यहां पशुपालन किया जा रहा है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण अतरसुइया थाने के गेट के सामने ही जो मीरापुर की ओर रोड जाती है वहाँ पर खुलेआम पशुपालन हो रहा, सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा है, जहां डेंगू जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सड़क किनारे पशुपालन हो रहा है जिससे गंदगी भी लग रही है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। यहां से हर दो कदम पर पुलिस भी आती जाती रहती है, गुजरती है, मगर इस पर ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ से पुलिसकर्मी भी गुजर रहे हैं, मगर इस पर किसी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। नगर निगम के आदेश के बावजूद खुलेआम सड़क पर हो रहा पशुपालन, जिम्मेदार बने अनजान। नगरी प्रयागराज, जहां एक ऐसे समाज सेवी भी हैं जो अक्सर लोगों को समाज शहीदों को याद करते हैं, वहीं उसी कड़ी में आज उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री व भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर उनको याद किया है और साथ ही साइकिल चलाकर लोगों को याद दिलाया कि आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और आज जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मगर ज़्यादातर लोग इसको शायद भूल गए हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी जाहिद उर्फ हीरो ने साइकिल चलाकर और पीछे पोस्टर लगाकर उनको याद किया है और एक सच्ची श्रद्धांजलि भी दी है। साथ ही उन्होंने साइकिल चलाकर शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों को याद दिलाया कि आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिस पर उन्होंने लोगों को याद दिलाते हुए आज बाल दिवस के रूप में साइकिल चलाकर ये दिवस मनाया और लोगों को याद दिलाया। जय हिंद। पहले प्रयाग वालों को मैं जय हिंद करता हूँ और जय सलाम करता हूँ कि मैं आज नेहरू जी इलाहाबाद प्रयाग के जो चौक एरिया के उनका जन्म हुआ था, आज उनका जन्म दिवस है, उसी अवसर पर मैं जागरूकता कर रहा हूँ और फुटपाटियों को जगा रहा हूँ। ये प्रथम प्रधानमंत्री देश के हमारे थे, जब हमारे देश का बहुत बुरा हालात थी उस समय की प्रधानमंत्री हैं, जो देश को हमारा सजाया बनाया, आज उनको लोग याद नहीं करते हैं और न उनको बारे में पढ़ते हैं न लिखते हैं। आज पूरे शहर के अंदर हमने कल से उनकी जागरूकता कर रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ, नेहरू जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो देश के लिए पहले प्रधानमंत्री थे, अच्छा कार्य किया है और उनको याद रखिए। मोहम्मद जाहिद, प्रयागराज, हीरो। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज बाल दिवस के रूप में हर कोई देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को मना रहा है, ऐसे में आज जहां डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने दिव्यांग बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया और उनको साथ ही उपहार भी बांटे, उनका कहना था कि आज दिव्यांग बच्चों को भी आम बच्चों की तरह जीने का हक है और साथ ही इस मौके पर कई प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया, जिसमें ड्राइंग से लेकर कई प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया और साथ ही यहां पर डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने दिव्यांग बच्चों को बाल दिवस के मौके पर उपहार भी बांटा, जिससे दिव्यांग बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखी और उनके चेहरे पर खुशियाँ दिखाई दी। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर ए.के. मिश्रा का, आइए सुनाते हैं। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को हम छोटे बच्चों के साथ बाल दिवस मनाने आए हैं और यहाँ
जो बच्चों का मेला लगा है, इस मेले में स्पेसिफिक चीज़ें देखने को ये होती हैं कि बच्चों को एक तरीके से ये बताया जाता है कि आज के दिन एक तो उनको ये बताया जाता है कि बाल दिवस है, नेहरू जी का जन्मदिन है, दूसरी बात उनको मेला लगा लगा के उनको मानसिक रूप से मजबूत भी बनाया जाता है। मानसिक रूप से मजबूत बनाने का मतलब उनको जैसे कुछ सामान बनाने के लिए बोला गया, उसके बाद उसको उस मेले में वो ख़रीदने जाते हैं, कुछ सेल करने जाते हैं, तो एक तरीके से उनको डिपेंडेंट होना भी बताया जाता है। तो इससे छोटे बच्चों के दिमाग पे एक अच्छा असर पड़ता है और मानसिक रूप से वो मजबूत भी होते हैं। दिव्यांग बच्चे भी आज बहुत से स्टॉल लगाए, तो क्या कहना चाहेंगे? दिव्यांग बच्चे लगाए हैं, उनको भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाया गया है, क्योंकि पहले लोगों की नज़र में वो बेचारे होते थे दिव्यांग बच्चे, लेकिन अब आज के डेट में वो बेचारे नहीं हैं, उनके लिए गवर्नमेंट भी बहुत कर रही है, लोग भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो उनको स्टॉल लगा लगा के उनको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, और उससे वो आज नहीं तो कल आने वाले समय में वो किसी के डिपेंडेंट नहीं होंगे और अपना खर्चा स्वयं उठा पाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सरकार ने गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी सड़कों को, मगर आज तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, चाहे वो पावर हाउस के आने जाने वाली सड़क का नज़ारा हो या फिर किसी अन्य सड़क का, ज़्यादातर सड़कों पर गड्ढा मिलेगा। ये नज़ारा है करेली की कई सड़कों का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर गड्ढे हैं और आने जाने वाली सड़कों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये महबूबा पैलेस की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये सड़क अब चलने के लायक नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। सड़कों की बात तो साहब ये है कि आप अपना कैमरा अगर नीचे घुमाएंगे तो ये आपको देख के खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे क्या नाम है क्षेत्रों के गड्ढा मुक्त सड़कें हुई कि नहीं हुई। एक बार आप अपना कैमरा उठा के नीचे डालिए, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। ये बताइए, गड्ढा मुक्त सड़कों बनाने के लिए अधिकारी कितने गंभीर हैं आपकी नज़र में? अधिकारियों का कहना ये कि अगर अधिकारी गंभीर हो जाएं तो हमारे क्या नाम है मोहल्ले या रोडों की सड़कें क्यों क्या नाम है गड्ढा हो रहा है, एकदम क्लीन साफ हो जाए, लेकिन अधिकारी अपना जिम्मेदारी से काम करे तब। अगर सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी तो क्या दुर्घटना के क्षेत्र मतलब उसमें कमी आएगी? सर बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, सड़कें में सफाइयाँ हो जाएंगी, तो भाई इनसे बीमारियाँ एक्सीडेंट वगैरह जो भी होते हैं भाई इनसे तो लोगों को बड़ा छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, कोई मुक्त नहीं हुई है, और अगर मुक्त कराई जाए तो जो घटनाएं हो रही हैं रोड पर, जो कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी रिक्शे पलट जाते हैं, तो ये घटना होना रुक जाएगी, लेकिन कोई अधिकारी इसको जो है करवा नहीं रहा है, ना ही कोई गंभीरता से ले रहा है। आपके क्षेत्र में भी सड़कों में गड्ढे मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, सर्वे कराया जाए तो बहुत गड्ढे निकलेंगे। परिचय? मोहम्मद अकील, सर्व समाज सेवा संस्थान, समाज सेवी एनजीओ में सचिव हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के जहां ससुर खदेरी नदी के पुल के पास अंधीपुर में जहां कूड़ा डंप होता है, ऐसे में यहां पर कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई है, जो कि आग धीमे धीमे विकराल रूप धारण कर रही है। ऐसे में यहां कूड़े से उठते धुएं के कारण आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे रिहायशी इलाके में धुएं से लोग परेशान हैं और आग भी विकराल रूप धारण कर सकती है। ऐसे में अगर जल्दी आग पर काबू नहीं पाया गया, ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। आप ये क्या है, अंधीपुर पुल के पास भयानक कूड़े में आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही, घरों के अंदर धुआं भर चुका है, कूड़े में पता नहीं किसी ने आग लगाई क्या है, जो कूड़ा फेंका जाता है अंधीपुर पुल के पास वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ की वजह से करेली क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को धुएं पर भरा हुआ पूरा। आपका नाम? मोहम्मद इमरान अशरफ, करेली निवासी हूँ मैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज नाज हॉस्पिटल में बाल दिवस मनाया गया, बाल दिवस के मौके पर आर्ट पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, साथ ही यहां पर मुफ्त नेत्र जांच भी की गई, जिसमें बच्चों की मुफ्त जांच की गई, तो बच्चों ने यहां पर आर्ट बनाकर कंपटीशन में हिस्सा लिया। यहां पर अच्छी आर्ट बनाने वाले बच्चों को हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त उपहार भी दिए गए, जहां बच्चों को मुफ्त उपहार दिए गए तो बच्चों ने यहां कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन किया गया, जहां बच्चों के चेहरे पर उपहार पाकर चेहरे पर खुशी दिखाई दी। यहां अच्छे आर्ट बनाने वाले सभी बच्चों को अस्पताल की तरफ से उपहार दिया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर सभी बच्चों ने हिस्सा लिया था। बता दें, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां हर तरफ अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने नाज हॉस्पिटल में कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
संगम नगरी प्रयागराज थाना कर्नलगंज अंतर्गत ममफोर्डगंज पुलिस चौकी के पास आबादी बसी हुई थी। यहां पर कई पीढ़ी से लोग रह रहे थे, जहां 6 पुल लेन का निर्माण होना है। ऐसे में मलाका से जो बेली तक आया है वहीं पर, ऐसे में कई बस्ती पे आज बुलडोजर चला है और खाली कराया गया है, क्योंकि पुल के रास्ते में ये बस्ती आ रही थी। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, किस तरह से आरोप लगाया है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या मामला है, क्यों आप लोगों को घर गिरा दिया गया है? ये बोल रहे हैं एचएनआई वाले कि हमारा जो है यहाँ पे हाईवे का पुल बनेगा सड़क, और ये जो है अवैधानिक रूप से तोड़ा है, मतलब ना नोटिस ना सूचना, बस आके तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग को लगभग हमारी तीन पीढ़ी हमारी बीत चुकी है, और लगभग 48 साल मेरी एज भी हो गई है। मेरे माता, ये मेरी मम्मी है और पापा हैं, सारे लोग हैं। आज हमने ADA से लड़ा, नगर निगम से लड़ा, DM से लड़ा, तीनों से हमने मुकदमा जीतने के बाद भी, डिग्री होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं, ना कहीं रहने की कोई व्यवस्था। इस ठंडी में तोड़ दिया गया है, पूरे बच्चे हम कितने सालों से रह रहे थे आप लोग यहाँ? 100 साल हो गया भैया, 3-4 पीढ़ी भी। तो कहीं आप लोगों को जगह दी गई है? सरकार ने जगह न कोई मुआवजा, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आप? विनोद कुमार सरोज। संगम नगरी प्रयागराज में थाना कर्नलगंज अंतर्गत चौकी ममफोर्डगंज के बगल में रजक धोबी समाज का धोबी घाट है, जो कि नेशनल हाईवे 30 के फ्लाईओवर 6 लेन के बीच में आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अब हटाने की तैयारी में है, जिसके लेकर अब धोबी समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उनका पहले धोबी घाट दूसरी जगह स्थापित किया जाए, तब उसके बाद यहां से तोड़ा जाए। साथ ही उनका कहना है कि इसके लिए वे सांसद, विधायक व महापौर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि धोबी समाज का पहले दूसरा धोबी घाट स्थापित करें, जिसके बाद ये तोड़ा जाए। आज धरने पर बैठे लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ मांग की है, ऐसे में धरने पर बैठे हुए लोगों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या मामला है, क्यों बैठे हैं आप लोग धरने पे? हम लोग धोबी घाट को तोड़ने के विरोध में यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, और विगत 1 साल से हम लोग इस पे पत्राचार जनप्रतिनिधियों को अपने कर रहे हैं, विधायकों को कर रहे हैं, सांसदों को कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई हमारे जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग ने 4 दिन पहले मेयर का, सुरेंद्र चौधरी MLC साहब का, और क्षेत्रीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी का, पार्षद जी का घेराव करके हम लोग पूरी सैकड़ों की संख्या में इन लोगों के आवास पे जाके, केसरी देवी पटेल जी के आवास पे जाके अपना ज्ञापन दिया कि धोबी घाट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नगर निगम की नैतिक जिम्मेदारी होती है, और उसके नियमावली में है कि धोबी घाट को बनवा करके उसको सुचारू रूप से संचालित करवाएं, ताकि धोबी समाज के लोग शहर की साफ सफाई सुचारू रूप से कर सकें। और जब कभी कोई धोबी घाट चौड़ी विषय को लेकर धोबी घाट चौड़ीकरण के अंतर्गत तोड़ा जा रहा है, और धोबी समाज की मांग है कि धोबी घाट तोड़ने से पहले उसको बगल की जमीन पर विस्थापित कर दिया जाए, ताकि नगर जिले की साफ सफाई की व्यवस्था इसी तरह सुचारू रूप से चलती रहे। मैं अंकित कनौजिया, जिला अध्यक्ष रजक समाज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।